Hello everyone, welcome to LK Academy. Myself Jay Sharma, and from today we're gonna start our new lecture series that is of Yojana Magazine, right? So we will be starting this series with a March edition that is a Union Budget 2021 and 2022 financial year. This is the budget that is presented after COVID-19 pandemic. So यहाँ पे जो भी instances होंगे, जो भी various factors लिए गए होंगे, kept in mind, they were taken while keeping in mind about the COVID-19. So the first article about budget will be regarding budget announcement impacting women. Right, as you can look into the screen, ki jo budget hai, वो major emphasize रखा गया है about the impacting women, ki यहाँ पे various initiatives लिए गए हैं, वहाँ पे various investment किए गए across various sectors and various schemes, जहाँ पे ये बताया गया कि जो millions of women है उनका potential increase किया जाएगा. That means कि यहाँ पे जो lives है women's की, millions of women की, वो increase की जाएगा in terms of nutrition and health care, कि वहाँ पे health care facilities increase की जाएगी, वहाँ पे वो accessibility उनकी increase की जाएगी. Apart from this, वहाँ पे जो उनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स है वो भी इंक्रीज किए जाएंगे. सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, यूनियन बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड जो इम्पैक्ट करेगा वुमेन को. सो यहाँ पे वेरियस सेक्टर्स को एम्फोसाइज किया गया है. लाइक वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इज द वुमेन एंड द हेल्थ सेक्टर. यहाँ पे जो मेजर एम्फोसाइज किया है, दैट मीन्स कि बिफोर कोविड और इनफैक्ट आफ्टर कोविड, दैट मीन्स जब जैसे ही कोविड लॉकडाउन हो चुका था, सो अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्फोसाइज ऑन द आत्मनिर्भर भारत. सो सिमिलरली दैट इज दैट डजंट कि यहाँ पे आत्मनिर्भर का मतलब यही नहीं था कि सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में डेवलप करना है. इनफैक्ट जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वहाँ पे भी आत्मनिर्भरता इंक्रीज करनी है. सो यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट रहा जाएगा, डेट मीन्स जो एम्फोसाइज किया जाएगा ऑन वुमेन में स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स अर्बन एंड रूरल एरिया से. सो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, लाइक वुमेन वर्कर्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है, नर्सेज है, और वी कैन से दैट जो आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ऑल सच वर्कर्स पे काफ़ी, एक मिडवाइफ्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन हेल्थ केयर सर्विसेज, उन पे एम्फसाइज किया जाएगा. सो ऑल दिस विल बी कवरिंग इन दिस वुमेन एंड हेल्थ सेक्टर. नाउ अनदर सेक्टर इज दी सोशल सेक्टर स्कीम्स जो वुमेन को बेनिफिट कर रहा है. नाउ सोशल सेक्टर मीन्स कि जो सोसाइटल बेनिफिट को इम्पैक्ट करेगा. सो यहाँ पे इनिशियली जो रखा गया, डेट इज अबाउट दी हेल्थ. सो यहाँ पे मिशन पोर्शन 2.0 अनाउंस किया गया इन दिस बजट, जो नॉट ओनली न्यूट्रिशनल कंटेंट को डेवलप किया जा रहा है, इनफैक्ट वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान को भी फोकस किया जाएगा. सो बाय दिस वे मिशन पोषण 2.0 स्कीम लॉन्च किया गया बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जहाँ पे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस किया जाएगा. सो जो बजट एलोकेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है फॉर दिस पोषण अभियान. देन सेकेंड सोशल सेक्टर स्कीम जो बेनिफिट कर रहा है वुमेन को, इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. नाउ ये एक एलपीजी सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर की स्कीम है, जो प्रोवाइड किया जाता है इनिशियली 5 करोड़ वुमेन हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड किया जाएगा, बट वो इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया. सो दैट वॉज द पार्ट ऑफ दिस, बट इन दिस टाइम बजट ये फर्दर इन्हेंस किया गया है. इसका फर्दर जो एक्सेसिबिलिटी है वो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया में भी इंक्रीज कर दिया गया है. देन अनदर सोशल सेक्टर स्कीम इज द जल जीवन मिशन, यानी कि जो वाटर सप्लाई है वो इंक्रीज कर दी गई है, कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो एक एफिशिएंट वे में सप्लाई होना चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरियाज, की जो वाटर सप्लाई है उसमें यूनिवर्सलिटी इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट आया गया है. देन देयर वाज अनदर अपॉर्चुनिटी जो रखा गया, दैट इज इन द गिग इकॉनमी. नाउ गिग इकॉनमी आर सच काइंड ऑफ इकॉनमी जहाँ पे जो वर्कर्स है वो टेम्प्ररी वर्कर्स होते हैं. दैट मीन्स कि अल्टीमेटली ये माइग्रेंट फोर्स के लिए है जो इस पर एम्फोसाइज कर रहे हैं. सो दिस आर द काइंड ऑफ गिग इकॉनमी. सो ये गिग इकॉनमी के लिए अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है, बिकॉज हमने ये चीज़ देखा कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो इंक्रीज हो रही है. रीजनल डिस्पैरिटीज क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दे आर सर्टेन स्टेट जो डेवलप्ड स्टेट जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं,
एंड देर आर सर्टेन अनडेवलप्ड स्टेट्स विच आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है फ्रॉम डेवलपिंग स्टेट और द अंडर डेवलप्ड स्टेट्स टू डेवलप्ड स्टेट्स. सो ड्यू टू दिस जो गिग इकॉनमी है वो इंक्रीज हो रही है. सो यहाँ पे क्या एम्फोसाइज किया गया कि यहाँ पे जो वुमेन है वहाँ पे वर्क अक्रॉस करेंगे अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स इन द नाइट शिफ्ट. कि यहाँ पे नाइट शिफ्ट करने से एक बैलेंस अप्रोच रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक बैलेंस मेंटेन रहेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो जेंडर डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी अचीव किया जाएगा. सो दिस इज अलाउिंग वुमेन टू वर्क अक्रॉस सेक्टर्स इन द नाइट शिफ्ट. देन अनदर पार्ट इज द टेक्सटाइल एंड टी इंडस्ट्री सेक्टर्स. कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं बिग टाइम एम्प्लॉयर्स उनको इम्फोसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, दैट इज मित्रास जिनको कंसिडर किया गया है. 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क एंड प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव. सो ऑल दिस हैज़ बीन लॉन्च इन दिस बजट की यहाँ पे इनेबल करे कि जो टेक्सटाइल मार्केट है उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए एंड वहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को अचीव किया जाए. सो जो नीड ऑफ द आर है इज द आत्मनिर्भरता, जो हमेशा से फोकस किया गया है कि आत्मनिर्भरता इज द नीड ऑफ द आर, नॉट जस्ट इन द इकोनॉमिक सेंस बट इन फैक्ट इन द हेल्थ सेक्टर और द सोशल सेक्टर एंड ओवरऑल जो सोसाइटी में वेरियस सेक्टर्स है वहाँ पे आत्मनिर्भरता इंक्रीज करने का नीड बताया गया है. यस, सो डेट वॉज द लीडिंग आर्टिकल फ्रॉम दिस बजट एडिशन. इफ यू टॉक अबाउट एन एडिटोरियल, एडिटोरियल इज नोन एज द प्रीफेस ऑफ द योजना मैगजीन. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ योजना इज दैट यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड मिला जाएगा आपको, जो कंटेंट है वो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जहाँ पे जो मेन्स में आंसर राइटिंग में जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो क्वेश्चंस में ट्रेंड है, इसकी यहाँ पे एक रैशनल अप्रोच रखनी है. सो जो योजना है एज दीज आर दी गवर्नमेंट मैगजीन्स योजना इन कुरुक्षेत्र. सो यहाँ पे एक पॉजिटिव इनिशिएटिव बताया जाता है अबाउट दी गवर्नेंस एंड टू वर्क इन दी. इफ यू आर अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आप में एक अफर्मेटिव अप्रोच होना चाहिए टूवर्ड्स दी वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिसाइज करके यू वोंट बी एबल टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. So if you want to be part of the government, you need to develop an affirmative approach towards the working of the government. So this is the basic objective why these magazine, Yojana and Kurukshetra magazine, that is emphasized kiya gaya hai in this examination. Yes. So if you talk about the editorial, editorial is known as the preface of the Union Budget 2021. Now every editorial may ek introduction diya jayega. कि हर जो मैगजीन में जो पूरा कंटेंट है, जो इशू है, वो उसमें क्या कवर किया गया है. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस आवर करंट एडिशन, टुडेज एडिशन, दैट इज मार्च एडिशन, जिसके अंदर यूनियन बजट के बारे में डिस्कस किया गया है. सो यहाँ पे फर्स्ट बजट जो इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का हुआ था 1947 में बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर दैट वॉज आर के Shanmugam Chetty had said that if the economy of this country is to be placed on a sound footing and maintained in a healthy condition, it is of the utmost importance to increase internal production. So that means ki jo government ne atmanirbharta ka concept hame bataya gaya Prime Minister Narendra Modi ne. So this is not the new concept. So यहाँ पे भी जो first, in fact जो first अपना budget था, union budget था, वहाँ पे finance minister ने internal production की efficiency increase करने का focus किया. So our finance minister has utilized this speech जहाँ पे इन्होंने बोला कि it is not a new concept. So if this union budget has also emphasized कि यहाँ पे इंडिया को हम self reliant बनाए, that is आत्मनिर्भर भारत हम increase करें. So while presenting the budget, फाइनेंस मिनिस्टर ने वेरियस एम्फोसाइज किया कि जो प्रपोजल्स है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा. सो जो आत्मनिर्भर भारत था जो पीएम मोदी ने लॉन्च किया था इन मई 2020, सो वहाँ पे 5 पिलर्स के बारे में फोकस किया गया था कि यहाँ पे उन्होंने 5 पिलर्स बताए थे. दिस पिलर्स वर कंपोज ऑफ इधर इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, दैट इज टेक ड्रिवन सिस्टम. सो बाय दिस वे 5 पिलर्स यहाँ पे एम्फोसाइज किए गए थे. सो ड्यू टू दिस कि ये 5 पिलर्स को अचीव करने के लिए बजट ने सर्टेन 6 पिलर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, लाइक हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, रेनोवेटिंग ह्यूमन कैपिटल दैट इज एजुकेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में फोकस किया. इफ़ यू टॉक अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग, दैट आफ्टर COVID-19 की हेल्थ एंड वेलबींग इज द नीड ऑफ द आवर, कि यहाँ पे हमें हेल्थ एंड वेलबींग के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड है. सो दिस इज द बेसिकली आवर नीड ऑफ द आवर. नाउ नॉट जस्ट अबाउट लाइफ, यहाँ पे लाइवलीहुड पे भी फोकस किया था पीएम मोदी ने. सो यहाँ पे वेरियस कैपिटल के बारे में डिस्कस किया कि वी नीड टू डेवलप द कैपिटल, एंड कैपिटल को हमें यूज़ करना हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए. नाउ वंस हमने हेल्थ एंड वेलबींग डेवलप कर लिया, हमने हमारा कैपिटल डेवलप कर लिया, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को और इन्हांस कर रहे हैं, सो नाउ वी कैन गो फॉर दी इंक्लूसिव डेवलपमेंट. नाउ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो मार्जिनाइज एंड पुअर सेक्शंस हैं उनको भी कवर किया जाए इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. सो बाय दिस वे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कब होगा, जब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो वंस एजुकेशन इज बी डन, यहाँ पे प्रॉपर इनोवेशन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा इन नॉट जस्ट इन द इकोनॉमी बट इनफैक्ट इन द क्लाइमेट, रिजिलियंट एग्रीकल्चर, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. एंड ये कब होगा, जब वहाँ पे गवर्नमेंट मिनिमम होगा एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होगा. सो दैट मीन्स कि जो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, जो डिस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आया गया है, वो यहाँ पे इम्फोसाइज किया गया है. सो दिस इज द मेजर थिंग जो कवर की गई है इन द होल आवर योजना मैगजीन ऑफ मार्च एडिशन, जो हम स्लोली वन बाय वन हम एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जब द फर्स्ट लीडिंग आर्टिकल इन योजना मैगजीन दैट इज मार्च एडिशन में वॉज अबाउट द फाइनेंस कमीशन. वाई फाइनेंस कमीशन? बिकॉज फाइनेंस कमीशन ने रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट भी प्रेजेंट की गई है, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी नवंबर 2017 एंड हुज चेयरमैन वॉज एन के सिंह. राइट, एन के सिंह वॉज इज चेयरमैन जिन्होंने ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई थी. एंड जो टाइटल था ऑफ रिपोर्ट वॉज द फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, विच वॉज प्रेजेंटेड टू द सबमिटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2021 एंड 2026. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन है वॉज नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, राइट, इन दिस दिस वॉज इन प्रैक्टिस बिफोर इंडिपेंडेंस, जहाँ पे ये प्रैक्टिस किया गया था. सो जो फाइनेंस कमीशन का मेजर एम क्या होता है, दैट इज जो फंड्स है वो फंड्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर. नाउ स्टेट में, नाउ दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ फंड्स. नाउ जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा, जब यहाँ से वेरियस टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, राइट. सो ऑल दिस जो रिकमेंडेशंस की जाती है अबाउट फंड्स की इज बाय फाइनेंस कमीशन, जो वंस इन अ 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. दिस इज एनश्राइंड इन आवर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे बताया गया कि देर इज़ अ नीड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन. सो फाइनेंस कमीशन ने अकॉर्डिंगली जो डिवॉल्यूशन किया गया है ऑफ स्टेट्स की, इसके अंदर स्टेट्स को 41% का टोटल फंड रिसीव किया जाएगा फ्रॉम दी सेंटर. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे वेरियस सेस इंक्लूड किए गए इस बार, जो रिकमेंड किया गया है इन द फाइनेंस कमीशन. सो जो दो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, फर्स्ट इज़ दी वर्टिकल ट्रांसफर, जो हमने डिस्कस किया कि बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. नाउ अनदर इज़ दी हॉराइजॉन्टल ट्रांसफर. नाउ हॉराइजॉन्टल ट्रांसफर में वेरियस फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्टेन क्राइटेरिया है, लाइक फर्स्ट इज़ दी पॉपुलेशन के बेसिस पे, कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पे एरिया कितना है. अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कितनी है, वहाँ पे इनकम डिस्टेंस कितना, यानी कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितनी है. सो ये सारे फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है. सो दैट वाज अबाउट दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ जो ग्रांट्स इन एड की बात किया जाता है, जो फाइनेंस कमीशन दिया जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग दिस जो मैगजीन में फाइनेंस कमीशन के बारे में क्यों दिया गया, बिकॉज ये रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, दैट बिफोर बजट ही ये प्रेजेंट किया गया था. सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग एंड दैट्स वाई इट हैज़ बीन गिवन इन दी
मैगजीन। सो ग्रांट्स की बात की जाए, ग्रांट्स इज द ट्रांसफर ऑफ मनी और द डोनेशन और द असिस्टेंस ऑफ मनी मेड बाय वन गवर्नमेंट टू द अनदर गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पे वेरियस टाइप्स की होती है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जब रेवेन्यू में डेफिसिट हो जाता है, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, अपार्ट फ्रॉम दिन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स जो टाइमली प्रोवाइड किया जाता है। एंड देन फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिकमेंड अबाउट द डिफेंस फंड्स कि कितना डिफेंस फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू। यस, सो दैट वॉज अबाउट द फाइनेंस कमीशन। नाउ इफ यू एक्चुअली डिस्कस अबाउट द बजट जिसका मेजर फोकस इज ऑन द आत्मनिर्भर भारत। नाउ आत्मनिर्भर भारत में जो एनविजन किया गया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये मेजर किया कि जो वी शेप रिकवरी हो रही है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंडिया विल बी गोइंग फॉर द वी शेप रिकवरी। नाउ ये वी शेप रिकवरी कौन से बेसिस पे होगी? थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन से होगा, ये डिस इन्वेस्टमेंट से होगा, राइट कि ये एसेट मोनेटाइजेशन से होगा, ये डिस इन्वेस्टमेंट से होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज करने से होगा, स्पेंडिंग होगा मेजरली इन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और इससे क्या होगा मेजरली जॉब्स क्रिएट होगी। नाउ वंस जब जॉब क्रिएट किया जाएगा सो दैट मींस कि यहाँ पे आत्मनिर्भरता इंक्रीज होगा। बिकॉज जो बजट क्या प्रपोज कर रहा है, बजट यही प्रपोज कर रहा है कि हमें एसेट को मोनेटाइज करना है, हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, और जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज करनी इन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। दिस विल क्रिएट जॉब्स एंड दिस विल क्रिएट फर्दर डिमांड। नाउ डिमांड इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सो दैट्स व्हाई दिस इंपॉर्टेंस यहाँ पे बजट का यही रखा गया टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत। सो जो बजट ने मेजर यहाँ पे एम्फसाइज ये किया है कि दिस विल बेनिफिट ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी स्पेशली पुअर। सो यहाँ पे बजट 2021 को एक रिफॉर्मेटिव बजट बोला गया कि यहाँ पे हम एक क्वांटम लीप करेंगे इनटू द फ्यूचर इन द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक की। जो कोविड 19 पैंडेमिक है, जहाँ से जो गोल रखा गया इंडिया का कि आत्मनिर्भर भारत कब होगा, जब इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5 ट्रिलियन हो जाएगी, जो गोल किया गया है बाय 2024। सो दिस इज गोन बी अचीव ओनली व्हेन यहाँ पे जब वी शेप रिकवरी में एसेट मोनेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स क्रिएट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया कि बजट हैज आल्सो रिजॉल्व दी, यहाँ पे मेजर जो फोकस रहा है वो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी पे रहा है कि जो फिस्कल पॉलिसीज है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसीज मेंटेन की गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेजर इंफोसाइज किया है बजट में इस बार, दिस दैट इज प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन को नॉट जस्ट इन वन सेक्टर बट वेरियस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को एनहेंस किया गया है। नाउ वंस प्राइवेटाइजेशन जब इनहेंस होगा सो उससे वेरियस अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होगी। देन बिसाइड्स मेकिंग ऑल दिस एफर्ट्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेजर डेवलपमेंट किया गया है, सो यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो भी रिटर्न्स फिल हो रहे हैं, रिफंड्स हो रहे हैं, सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फेसलेस असेसमेंट इंक्लूड किया है। फेसलेस नॉट इन दिस इज द असेसमेंट बट इन द अपील एंड नाउ इवन इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन पे फोकस किया है कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी हमारे इश्यूज होंगे वो फेसलेस होगा, यानी कि वो डिजिटाइज कर दिया जाएगा। सो इसका मेजर एम यही है कि जो करप्शन का मेजर इश्यूज हो रहा था इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो टाइमली एड्रेस किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो अदर इनिशिएटिव्स लिए हैं इन बजट, दैट वाज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दी डायरेक्ट टैक्सेस। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे फोकस किया गया कि सर्टेन अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि जो GST कंप्लायंस है वो और ईजी हो सके। नाउ वंस अगर ये ईजी होगा सो यहाँ पे अफेक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ वंस इसकी अफेक्टिविटी इंक्रीज होगा तो जो GST का मेजर एम था वो अचीव हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेजर डेवलपमेंट किए जाएंगे GST में, वो बताया गया कि जो GST काउंसिल होगा, जो अभी रिसेंटली अब इन द कमिंग मंथ ये काउंसिल सेटअप किया जाएगा, तो उसमें मेजर डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कस्टम्स है, कस्टम्स में मेजर इंफोसाइज किया गया है ऑन टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज द रॉ मटेरियल,
कि जो रॉ मटेरियल्स है उस पे कस्टम ड्यूटीज डिक्रीज कर दी गई है, बिकॉज रॉ मटेरियल्स पे अगर प्राइस डिक्रीज होगा सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा। वंस मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा तो जो आत्मनिर्भर भारत का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा, राइट? कि वो उसमें और बढ़ेगा एंड जो डॉलर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है 2024 तक वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वेर इज अनदर इज दी वेरियस एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज को भी टेम्पररी रिवोक किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो वेरियस मेटल्स थे जो लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया गया है ताकि जो फंड का फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज हो जाए। सिमिलरली डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सर्टेन प्रपोजल्स किए हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वहाँ पे उसको और सिंप्लीफाई कर सके, राइट? कि उसको सिंप्लीफाई करने की कई सारे प्रपोजल्स दिए गए हैं इन आवर बजट, राइट? सो दैट इज द मेजर एम कि हम आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से अचीव कर सके, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द कंडीशनल बोरोइंग्स। नाउ कंडीशनल बोरोइंग में ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली नज किया गया कि जो भी अंडरटेक हो रहा है ऑफ वेरियस रिफॉर्म प्रोसेस, दैट जो भी रिफॉर्म प्रोसेस हो रही है वहाँ पे स्टेट्स को नज किया गया है, बिकॉज जो बोरोइंग्स होगा, क्योंकि COVID-19 में ये पता चला कि देर इज अ फाइनेंशियल क्रंच इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज अगर पब्लिक स्पेंडिंग करनी है इन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देर इज अ नीड कि हमारे पास फाइनेंस उतना बेस होना चाहिए। अब ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इतनी डिक्रीज हो गई थी उससे फाइनेंशियल इतना डेवलप नहीं हो पाया फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, सो यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल क्रंच हो गया। सो यहाँ पे कंडीशनल बोरोइंग जो बोरोइंग्स है, अब स्टेट कहाँ से अफोर्ड करेगा ऑल दिस फाइनेंशियल नीड्स बाय एडिशनल बोरोइंग, दैट इज कंडीशनल बोरोइंग पे फोकस करेगा। सो या बजट में मेजर इम्फोसाइज ये रखा है कि जो ग्रांट दी जाएगी वो रिफॉर्म लिंक्ड ग्रांट होगी, कि जो एडिशनल बोरोइंग होगी स्टेट्स को वो रिफॉर्म से लिंक किया जाएगा, कि यहाँ पे स्टेट्स को बोला जाएगा कि वो सर्टेन सेक्टर्स में रिफॉर्म करें, उसके अकॉर्डिंगली उनको एडिशनल बोरोइंग प्रोवाइड की जाएगी। सो ये फर्स्ट अनाउंस किया गया था इन मई 2020, जिसके दो ऑब्जेक्टिव्स अनाउंस किए गए थे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफॉर्म्स हो जाएगा इन द पर्टिकुलर सेक्टर जो डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट से, एंड जो स्टेट्स है उनको जो फाइनेंशियल रिसोर्स का क्रंच है वो एड्रेस कर दिया जाएगा टू फाइट COVID-19 पैंडमिक। सो ये यहाँ पे मेजर इम्फोसाइज रखा गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 विल बी नोन इन द हिस्ट्री एज द ईयर ऑफ COVID-19 पैंडमिक, जहाँ से वेरियस फैक्टर्स जो थे, वेरियस इश्यूज जो थे वो फेस किए गए नॉट जस्ट बाय वन स्टेट बट इवन द ग्रुप ऑफ स्टेट। सो जो बोरोइंग ऑफ अ स्टेट है ये गाइडिंग प्रोविजन रखा गया है इन दी आर्टिकल 293 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, की यहाँ पे जो बोरोइंग्स होगा कंडीशनल बोरोइंग वो रिफॉर्म लिंक्ड होगा, कि जो सेक्टर्स होंगे लाइक वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडीज और यूटिलिटी रिफॉर्म्स एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सारे सेक्टर्स में अगर कोई भी स्टेट रिफॉर्म किया जाएगा तो वहाँ पे स्टेट की एक एलिजिबिलिटी आएगी कि वो एक एडिशनल फंड रेज कर पाएगा, कि यहाँ पे जो फंड में यानी कि जो बोरो है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी दैट पर्टिकुलर स्टेट की। सो ये दिस इज द कंडीशनल बोरोइंग। नाउ इन बजट 2020-21 में फाइनेंस मिनिस्टर ने नज किया ऑल दीज स्टेट्स को कि देर इज अ नीड कि वो यहाँ पे डेवलप करे, कि यहाँ पे उन्होंने नज किया है स्टेट्स को कि वो रिफॉर्म लिंक एडिशनल बोरोइंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सो दैट वॉज द अबाउट द कंडीशनल बोरोइंग। नाउ अनदर डेवलपमेंट जो अनदर स्पेशल आर्टिकल इन दिस मैगजीन वॉज अबाउट इनेबलिंग द सोशल सेक्टर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सोशल सेक्टर, कि यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये है कि जहाँ पे सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पेसिफिकली दी पुअर क्लास,
और दी मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए कि यहाँ पे इंक्लूजन होना चाहिए ऑफ ऑल द ग्रुप और ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी इन दी डेवलपमेंट. सो यहाँ पे सोशल सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे मेजर इंफोसाइज आएगा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कि ये दो मेजर फैक्टर्स है जहाँ पे ये सोशल सेक्टर का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होता है. सो यहाँ पे क्या हुआ कि बजट को एक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर्ड किया गया कि जो ना ही इज नॉट ओनली मॉनेटरी एलोकेशंस पे फोकस करेगा थ्रू फिस्कल प्रोविजंस बट विल आल्सो रिफ्लेक्ट द नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू सोशल सेक्टर. कि सोशल सेक्टर के रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन से फिस्कल प्रोविजंस बनाए गए हैं, डेट मीन्स कि मॉनेटरी एलोकेशंस कितना होगा हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का और द नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी कितना होगा एंड उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी. सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है उसको इन्हेंस कर दिया गया इन द करंट बजट. सो दे आर सर्टेन प्रपोजल्स एंड सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर हैज बीन गिवन द क्लियर एक्सपांशनरी पुश दैट द इकोनॉमी रिक्वायर. सो यहाँ पे तीन मेजर डेवलपमेंट्स है, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम हेल्थ पे कंसिडर करते हैं सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन फर्स्ट ऑफ द सिक्स पिलर्स ऑफ द बजट जो डिफाइन किए गए थे बाई फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस यूनियन बजट 2021-22. सो यहाँ पे हेल्थ, वाई हेल्थ, बिकॉज हेल्थ का एक मेजर नीड फेल्ट हुआ है इन COVID-19 टाइम, कि यहाँ पे देर इज अ नीड कि हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉपर वे में डेवलप होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस अभी रिसेंटली वैक्सीन रोल आउट स्टार्ट हो चुका है. सो अगेन यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन करना होना चाहिए, राइट. इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल कंसिडर किया गया है. दिस इज अनदर पिलर ऑफ द यूनियन बजट, वन ऑफ द सिक्स पिलर, कि री इन्वेग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल. नाउ ह्यूमन कैपिटल को एसेट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय एजुकेटिंग देम. सो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया. बट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया है, राइट. कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है वाज ऑन दी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. सो उसके लिए सर्टेन फंड्स डेवलप किए गए हैं, लाइक डेवलपमेंट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया है. एंड इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बनाई गई, कि ये फोकस जिसका मेजर यही है कि वो वेरियस स्टेप्स रखे. फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया एसेट मोनेटाइजेशन, ये सारे स्टेप्स पे मेजर फोकस रहे. सो डेट वाज अबाउट इनेबलिंग द सोशल सेक्टर. यस, नेक्स्ट इज अ बूस्टर शॉट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. एज हमने देखा कि जो बजट का प्रपोजल, बजट प्रपोजल लेड अ थ्रस्ट ऑन प्रमोटिंग, कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया है, देयर शुड बी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट. मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पे फोकस किया गया है, एज वेल एज यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया गया है एंड ईज ऑफ लिविंग पे भी फोकस किया गया है. सो दिस बजट में ये एक सेंस प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे ये जो चार फैक्टर्स है इनको कैसे अचीव किया जाता है. यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड किया गया है बाई रीडिंग दिस बजट अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर. की यहाँ पे ये बोला कि एट अ टाइम व्हेन इकोनॉमी इज कमिंग आउट ऑफ ग्रेव क्राइसिस दैट इज COVID-19 एंड उसके जो आफ्टर इफेक्ट भी वो अभी तक फेस कर रहा है. सो वी आर लुकिंग दैट गवर्नमेंट टू स्पर ग्रोथ, कि यहाँ पे हम ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो फैक्टर्स आए गए हैं कि यहाँ पे ऑन द वन हैंड देर इज अ होप दैट जो पॉलिसीज अनाउंस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो सर्टेन एनवायरमेंट क्रिएट करेगी जहाँ से वेरियस अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएगी इन ईच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी दैट शुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस
was that the government will ensure that the needs and aspirations as citizens के would be met through such opportunities. कि यहाँ पे जो hope रखी गई थी कि government will create conducive environment जहाँ पे certain opportunities create होगी to each segment of the society. जो सो इसमें से expectations ये थी कि जो opportunities create की गई है वो अपॉर्चुनिटीज से सिटीजन्स अपनी नीड्स एंड एस्पिरेशंस फुलफिल कर पाएंगे. सो इससे जो रेसिडुअल गैप्स है वो अचीव कर पाएंगे, वो एड्रेस कर पाएंगे, विल बी प्लग थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन. कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा. सो इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने कहा कि हेल्थ पे फोकस किया गया है, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट पे फोकस किया गया है कि एनवायरनमेंट का भी यहाँ पे एक इक्वल रोल है, उस पर फोकस किया गया है. देन यस ऑब्वियसली ग्रोथ पे फोकस किया गया. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एक इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंक्रीज करता है, दैट इज क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, वेयर इज डेवलपमेंट क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है, राइट. सो अभी एट दिस मोमेंट वी आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. सो फॉर दैट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट चाहिए. अगर सेक्टर वाइज देखें तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, राइट. एग्रीकल्चर के अलावा हमें फाइनेंशियल कैपेसिटी इंक्रीज करनी है. फाइनेंशियल कैपेसिटी वंस इंक्रीज होगी सो देयर इज अ नीड कि हम बैंकिंग सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट करें. सो बाय दिस वे हम ये सिक्स सेक्टर्स पे अगर फोकस करेंगे सो अल्टीमेटली जो बजट का एस्पिरेशंस है, जो बजट का एम है, दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, वो अचीव होगा, राइट. सो दैट वाज अबाउट अ बूस्टर शॉट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. यस, नेक्स्ट इज अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर. ना यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉट जस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर बट इनफैक्ट एलाइड सेक्टर पे भी फोकस किया गया. व्हाई? बिकॉज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. सो बजट ने यहाँ पे क्या नीड करी कि यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है. नाउ वंस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा सो जो फार्मर्स की नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा एंड जो मनी फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ ये मनी फ्लो और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए वेरियस इंस्टेंसेस लिए गए. फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज द MSP रिजीम जिस पे मेजर फोकस किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस बजट इज ऑल्सो आइंग कि देर इज अ नीड कि एक पैराडम शिफ्ट हो फ्रॉम रूरल लाइवलीहुड सेक्टर टू मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज. सो इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम द बजट पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे जो परसुएंस रखा गया है दैट इज कि एक कमिटमेंट रखा है दैट देर शुड बी अ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाई 2022 एंड फॉर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोल्ड आउट इट्स बजट फॉर फिस्कल 2022 विद द वेलफेयर ऑफ फार्म्स एंड फार्मर्स एट द कोर. कि यहाँ पे जो बजट में कोर इश्यूज रहेगा या जो कोर रहेगा दैट विल बी फार्मर्स. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विलेजेस आर एट द हार्ट ऑफ द बजट. दैट एट द हार्ट ऑफ द बजट आर द विलेजेस और दैट इज आवर फार्मर्स. सो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है एंड इट्स सब्सिडरीज है उनको एक डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि यहाँ पे एक रेजिलियंस होना चाहिए ड्यू ऑफ COVID-19 पेंडेमिक. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ग्रोथ है उन्होंने रेजिलियंस शो किया है. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेरियस जो अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स है उन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया गया है. सो अकॉर्डिंगली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देयर इज अ नीड कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और इम्फेसाइज करें कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर बिकॉज अदर इकोनॉमिक सेक्टर हैज प्रूव टू परफॉर्म नेगेटिवली. सो यहाँ पे जो मेजर फोकस रखे गए हैं इन बजट दैट इज द MSP मंडीज एंड मार्केट. एज वी नो MSP एक कैश रिजीम है दैट इज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर करेगा फार्मर्स का. सो MSP रिसेंटली इंक्रीज किया गया है दैट इज एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज. 2020 में गवर्नमेंट हैज अनाउंस इंक्रीज इन MSP फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ एंड रबी क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड किया जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट मंडीज में मेजर इम्फेसिस है इज ऑन APMC. नाउ APMC में दो देर आर वेरियस स्पेकुलेशन बट देर इज अ नीड जो अनाउंस किया गया है दैट इफ यू टॉक अबाउट APMC यहाँ पे हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे फोकस करेंगे.
राइट, दैट इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में ई नैम पे फोकस किया गया है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्री मार्केट, जो कि एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विच विल बी इंक्लूड किया जाएगा, लिंक किया जाएगा विद द एग्जिस्टिंग APMCs। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेडिट एज वी नो देर इज़ अ नीड कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया है, सो देर इज़ अ नीड कि हम यहाँ पे क्रेडिट के लिए एक एडिक्वेट क्रेडिट होना चाहिए फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज, दैट मीन्स कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन होना चाहिए। सो फॉर दैट बजट ने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए, फॉर एग्जांपल किसान क्रेडिट कार्ड को और इन्हेंस किया गया है, वेरियस स्कीम्स ली गई है, फॉर एग्जांपल स्वामिता को इंक्रीज किया गया, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, सो इससे एक प्रॉपर कॉर्पस बनेगा एंड एक प्रॉपर कैरिंग होगी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस द थर्ड इज द फाइनेंसिंग, ना यहाँ पे फाइनेंस डेवलप करना है, नॉट जस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट इन द फिशरीज एंड द एलाइड सेक्टर, दिस विल हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम, कि यहाँ से फार्मर्स इनकम डबल होगा। सो इट्स नॉट जस्ट द फार्मिंग सेक्टर जिसको डेवलप करना चाह रहा है एज पर द बजट, बट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को इंक्रीज करें, उनको डेवलप करें, ताकि जो फार्मर की इनकम कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए सब्सटेंशियली। राइट, सो दैट वॉज बाई स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट इज द बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज नाउ बजट हैज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नॉट ओनली रिकग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। नाउ दिस इज, जैसे हमने डिस्कस किया, दिस इज वन ऑफ द सिक्स पिलर्स, राइट, दिस इज वन ऑफ द सिक्स पिलर्स ऑफ द यूनियन बजट जो अनाउंस किया गया है। सो यहाँ पे मेजर इशू क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इज द एलोकेशन ऑफ फंड, राइट। बट यूनियन बजट में ये बोला गया कि दिस इज नॉट जस्ट द ओनली इशू, द अनदर इशू इज कि जो फंड एलोकेट किए गए हैं उनका एक वाइज एंड अफेक्टिव स्पेंडिंग कैसे कर रहे हैं, कि जो फंड एलोकेट हो रहे हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वहाँ पे स्पेंडिंग क्या अकॉर्डिंगली हो रही है। सो दैट इज द मेजर इशू। सो यूनियन बजट ने ये चीज पे एक वेलकम फोकस रखा है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज बीइंग पार्ट ऑफ वन ऑफ द सिक्स पिलर्स ऑफ द यूनियन बजट जो अनाउंस किए गए थे बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। सो यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है कि देयर इज अ नीड कि कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सो नाउ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने एनविसेज किया कि एक कैपिटल स्पेंड ऑफ ओवर 100 लाख करोड़ ओवर सिक्स ईयर पीरियड, कि जो सिक्स ईयर पीरियड है उसमें 100 लाख करोड़ का स्पेंडिंग होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो यहाँ पे वेरियस जो फोकस सेक्टर्स रखे गए, फॉर एग्जाम्पल रोड, कि रोड सेक्टर को डेवलप करना है, सो यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस किया जाएगा, जिसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल या टोल ऑपरेट मॉडल, अपार्ट फ्रॉम दिस फास्टैग को इंक्रीज कर दिया गया है कि फास्टैग से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स होंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट रेलवे, रेलवे में जो मेजर फोकस किया गया, दैट इज़ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो एक डेवलपमेंट लेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दिस स्लोली जो डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें, अर्बन ट्रांसपोर्ट में मेजर डेवलपमेंट हो रहा है ऑफ दी मेट्रो सर्विसेज। नाउ मेट्रो सर्विसेज में दो टाइप की मेट्रो सर्विसेज पर डेवलप किया जा रहा है, मेट्रो लाइट LITE Lite एंड मेट्रो नियो, राइट, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो पे फोकस किया जा रहा है एज अकॉर्डिंग टू द बजट। नाउ सिमिलरली अगर हम टेलीकॉम सेक्टर पे फोकस करें, सो टेलीकॉम सेक्टर में मेजर इंफोसाइज हो रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो रूरल एरियाज है वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है, सो उस पर फोकस किया गया है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में मेजर इंफोसाइज रखा है, दैट इज़ डिस्कॉम्स, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको डेवलपमेंट की नीड है। एंड सिमिलरली एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सेस बनाए गए हैं। सो बाय दिस वे वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट और दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड इन दिस बजट, की यहाँ पे फंड कहाँ से रेज होगा। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है,
देन हमने देखा कि जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि बैड बैंक से क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल फ्लो मेंटेन रहेगा, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इश्यू नहीं आएगा। एंड जो डिस इन्वेस्टमेंट है उसको दो में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कि एक स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट रहेगा, एंड सेकेंड इज द नॉन स्ट्रैटेजिक कि स्ट्रैटेजिक या नॉन स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट में डिवाइड किया गया है। सो बाय दिस वे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज अप्रोच रखा है गवर्नमेंट ने कि बजट से हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैसे बूस्ट करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्फोसाइज किया गया है। राइट, नाउ नेक्स्ट इज द मेंटेन मोमेंटम ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। ना जो मेजर कॉन्ट्रोवर्सी ये हुई है कि जो इन दिस आर्टिकल में जो मेजर इम्फोसाइज बताया कि बजट में जो एलोकेशन था एजुकेशन में उसको रिड्यूस किया गया है, बट इट हैज़ लीव टू दी एक्सपेक्टेशंस डिस्पाइट माइनर रिडक्शन इन द एलोकेशन। सो ये इम्फोसाइज किया गया कि डिस्पाइट देयर इज अ रिडक्शन इन द एलोकेशन बट दैट हैज़ लीव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस कि यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटीज रही है आर बींग सेट मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स कि ऑल पॉसिबल एफर्ट्स करने की जो भी कोविड से फॉलआउट हुए हैं, कोविड से जो फॉलआउट हुए उनको किस तरीके से हम बजटरी एलोकेशन करके उसको हम यूटिलाइज कर सके, बिकॉज हमने ये देखा कि कोविड 19 में एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है, एंड सबसे पहले ही डिस्ट्रप्शन वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है जो बहुत ही एंड में रिज्यूम हुए थे। सो दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द पिलर्स, दैट इज वन ऑफ द सिक्स पिलर ऑफ द बजट, जहाँ पे एजुकेशन यानी कि इन्वोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल को हमें यूटिलाइज करना है कि हम इंडिया एक डेवलपमेंट इकोनॉमी मेंटेन रहे। सो यहाँ पे बजट ये शोकेस कर रहा है कि देयर इज अ नीड कि हम एक बाउंस बैक करें, बिकॉज जो फॉलआउट हुए हैं इसका आउटकम ये होगा कि अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली बाउंस बैक करें इन एजुकेशन सेक्टर। सो एज वी कैन से कि कोविड 19 के बाद ये फर्स्ट बजट है जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में एलोकेशन हुआ है, एंड बिफोर दिस बजट जो लास्ट डेवलपमेंट हुआ था एजुकेशन में वॉज अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच हैज़ बीन अंडरलाइन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर हु सेड इन अ बजट स्पीच दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ गुड रिसेप्शन। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ग्रेटर एलोकेशन प्रोवाइड किया गया है इन दिस बजट, एंड इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्यू किया है दैट दिस बजट लेज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द डेकेड, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है दो इन द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड 19, एंड हिज व्यूज आर इवन सपोर्टेड बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हु लाउडेड this budget as one which will give major boost to education. So by maintaining the momentum जो various budget इससे पहले के जो budget in line में हुए हैं, so यहाँ पे एक pace हुआ है of growth का of Indian economy का, एंड यहाँ पे एक anticipation रहा है of India. यहाँ पे India is becoming the country with the largest working population because India को यहाँ पे demographic dividend मिल रहा है. और डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें यूटिलाइज करना है बाय मेकिंग एज अ ह्यूमन कैपिटल। नाउ बाय मेकिंग ह्यूमन कैपिटल इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, अगर उनको प्रॉपरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला है कि इसका जो इफेक्ट होगा विल बी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, दैट इज एक डेकेड में इसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन से ही जितना प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन होगा उतना प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप हो पाएगा। सो यही चीज़ यहाँ पे एम्फोसाइज की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एलोकेशंस किए हैं इन बजट फॉर एजुकेशन, लाइक इन हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन है, रिसर्च एक्टिविटीज़ है, अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रखा गया है, वेरियस इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए गए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड वेरियस CBSE बोर्ड एग्जाम रिफॉर्म्स हैव बीन आल्सो एम्फोसाइज इन दिस बजट।
नेक्स्ट इज द फ्लैटनिंग क्लाइमेट कर्व, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिग्नल किया है कि एक अप्रोच की नीड है कि वो क्लाइमेट चेंज का से कॉम्बैक्ट कर सके बाय नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स जो अनाउंस किए गए हैं इन यूनियन बजट. बिकॉज यहाँ पे मेजर फोकस क्या रहा है, रिन्यूड फोकस ऑन दी क्लीन एनर्जी, डिजास्टर रिसीलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, प्लांट अफॉरेस्टेशन आर अ फ्यू ऑफ देम. सो यहाँ पे नीड क्या है, देयर इज अ नीड कि जो सारे स्टेक होल्डर्स है दे शुड कम टुगेदर टू फाइट क्लाइमेट चेंज इन एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक फॉर्म. दैट मीन्स कि देयर इज अ नीड नॉट जस्ट फ्रॉम दी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पे एक ग्लोबल इनिशिएटिव की नीड है. राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंट्रोड्यूस किया था इन पार्टनरशिप विथ फ्रांस. राइट, सो सच काइंड ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव्स की नीड है जो इंडिया ने टाइमली एम्फोसाइज किया गया है. बट इन बजट में क्लाइमेट चेंज पे ये फोकस किया है कि अब जैसे आफ्टर कोविड 19 रिकवरी हो रही है, नाउ दिस रिकवरी इज वी शेप रिकवरी. नाउ वी शेप रिकवरी पे मेजर फोकस किया जाएगा, दैट इज ऑन दी ग्रोथ. दैट मीन्स क्वांटिटी पे फोकस किया जाएगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा. नाउ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होगी. नाउ इससे एक इम्पैक्ट आएगा ऑन क्लाइमेट. सो यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस आया कि यहाँ पे जो हम ग्रोथ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए. डेट मीन्स सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. सो दिस हैज बीन एम्फसाइज इन द बजट कि देयर इज अ नीड कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ करें. सो यहाँ पे वेरियस स्टेप्स लिए गए, मेजर्स लिए गए, दैट इज़ बाय नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंडिया ने डिफाइन किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस बजट ने ये भी बोला है कि हम वेरियस कार्बन सिंक प्रोड्यूस करेंगे बाय वेरियस अफॉरेस्टेशन से. राइट, नाउ यहाँ पे बताया गया कि अगर इंडिया को सस्टेनेबल ग्रोथ रखना है या इनफैक्ट क्लाइमेट्स को कॉम्बैक्ट करना है, सो देयर इज अ नीड कि यहाँ पे इंडिया को फंड की नीड है, अ ह्यूज फंड दैट इज ऑफ $2.5 trillion. राइट, सो ये फंड रेज करने की बहुत नीड है. सो ड्यू टू दिस बजट में वेरियस सेल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि एनवायरमेंट रिजिलियंट कई सारे फैक्टर्स पे हम फोकस कर सके. नेक्स्ट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में या फॉरेन कंट्री में. सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया की, इंडिया में बताया गया कि जो इन्वेस्टर को ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी स्कोप एंड पोटेंशियल दिया गया है. नाउ ये जो वेरियस नंबर्स है उससे वेरी मच क्लियर है कि वाई इंडिया में दैट वाई इंडिया हैज़ प्रोवाइड ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं. सो यहाँ पे गवर्नमेंट वेरियस स्टेप्स लेना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन लॉस पे फोकस कर रहा है जो एग्जिस्टिंग लैंड लेबर एंड इंसॉल्वेंसी लॉज है उनमें उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जिससे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो. अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंडियन स्टेट्स है दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है उस पर फोकस किया गया है, कि जो डिजिटाइजेशन है ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस पर फोकस करना चाहिए, नॉट जस्ट एट द सेंट्रल लेवल बट इवन एट द स्टेट लेवल. एंड जो चेंजेस होंगे उसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा ऑन द इन्वेस्टर एक्सपीरियंस इन इंडिया. दिस विल दैट विल फर्दर बूस्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. सो ये रिफॉर्म्स को ऑल्सो एड किया गया है बाई लिबरल FDI रिजीम जो इंस्टीट्यूट किया गया बाय गवर्नमेंट इवन इन की सेक्टर्स लाइक डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल्स है एंड रिन्यूएबल एनर्जीज है. सो यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स और वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए इन द बजट. फॉर एग्जांपल मेकिंग इंडिया इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर फ्रेंडली, कि यहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली रखना है इंडिया को. Like making India investor friendly. Apart from this, यहाँ पे robust infrastructure develop करना है. Now once अगर infrastructure develop होगा so एक environment, conducive environment develop होगा for the various investors around the world जो India में invest करें. So
इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है इन नॉट जस्ट इन दिस बजट बट इन एवरी बजट, बिकॉज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इंडिया में मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द डिप्लोमेसी इन कोविड टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे वेरियस फ्रेजेस इंक्लूड किए गए थे रिसेंटली, लाइक फॉरवर्ड ट्रैक है, नेबरहुड फर्स्ट है जो पीएम मोदी 2014 में किया था, देन एक्ट इज पॉलिसी के बारे में है, देन इनफॉर्मल डिप्लोमेसी के बारे में. ये दिस आर ऑल पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर जो ओल्ड बैरियर्स है, जो ट्रेडिशनल बैरियर्स थे, उनको ब्रेक किए गए. एंड यहाँ पे इंडिया का सॉफ्ट पावर एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेसी पे फोकस किया गया. सो इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली प्रेज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर द रिसेंट वैक्सीन डिप्लोमेसी, कि जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके बारे में भी उसको वर्ल्ड वाइड प्रेज किया गया, कि जो कोविड 19 वैक्सीन है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको प्रेज किया जा रहा है. सो जो इफ यू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कई सारे इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप किए गए हैं, कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी कंट्री के साथ इमोशनल कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए गए विद द इंडियन कम्युनिटी, कि जो इंडियन कम्युनिटीज है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ पे ये डेवलप किए गए बाय एज यू कैन रिकॉल, यहाँ पे पीएम मोदी योगा को एंड स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं टू कनेक्ट इंडियंस, राइट, और टू कनेक्ट इंडियंस नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल द डिफरेंट पार्ट्स. सो यहाँ पे उनके ऑन पॉलिसीज है जो खुद के वैल्यूज एंड खुद के इंटरेस्ट को फोकस कर रहे हैं. सो बाय दिस वे यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स है जो इंडिया पे मेंटेन लग रहा है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज इंडिया पॉइज टू प्ले मेजर रोल, कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया मेजर रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज कोविड 19 में बहुत सारे वर्ल्ड रीऑर्डर के बारे में क्वेश्चंस आए गए, बिकॉज जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, इनफैक्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट एबल टू काउंटर द कोविड 19, कि कोविड 19 को वो टैकल नहीं कर सके, कि वो चाइना से किस तरीके से वो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया एंड वो लॉकडाउन लग गया. सो यहाँ पे इंडिया को एक मेजर अपॉर्चुनिटी बनी है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी में, और प्रिसाइसली वी कैन से द एशियन इकोनॉमी में, एक पाइवट रोल प्ले कर सके. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज रिसेंटली स्टार्टेड द वैक्सीन डिप्लोमेसी. नाउ बाय दिस वे इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, राइट. नाउ सेकेंड इज अबाउट इंडिया स्ट्रेंथनिंग पोजिशन इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन. सो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है ब्रिक्स का, कि जो डिप्लोमेसी आई है इन कोविड टाइम्स में, इंडिया ने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अपनी पोजिशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन की गई है, जहाँ से वेरियस बेनिफिट मिले हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज स्टैंड ऑन POK, इट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस टेररिस्ट, जो इंडिया को टेररिज्म का इशू है. सो यहाँ पे ड्यू टू दिस डिप्लोमेसी और ड्यू टू दिस पोजीशन जो मेंटेन की गई है, इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम वर्ल्ड कम्युनिटी. देन थर्ड इज दिस सॉफ्ट पावर, कि इंडिया ने हमेशा से सॉफ्ट पावर पे फोकस किया गया आफ्टर पीएम मोदी, जो इनिशियली ये एंशियंट हिस्ट्री में यूज़ हो रहा था, कि एक सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट था, बिकॉज यहाँ पे ये बताया गया कि एंशियंट हिस्ट्री में ये था कि इंडिया का एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, दैट मींस कि वो एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में एक सेंट्रल पोजीशन, पाइवट पोजीशन प्ले कर रहा है. सो यहाँ पे अगर वो सॉफ्ट पावर मेंटेन रखेगा, तो वहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको इजीली वो डिप्लोमेसी में इंक्लूड कर सकेगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी कैन रिकॉल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो 2014 में पीएम मोदी जब पावर में आए थे, तो उन्होंने जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप करी थी वाज इन भूटान. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, राइट, कि जो नेबरिंग नेशंस है उनमें एक स्ट्रांग डिप्लोमेसी मेंटेन करनी है, ताकि इन द डिफिकल्ट टाइम दे विल बी स्टैंडिंग बिसाइड यू. सो दिस इज दिस सिविलाइज सॉफ्ट पावर. देन अनदर डिप्लोमेसी इज दी टूवर्ड्स ग्लोबल सीनर्जी, कि यहाँ पे ग्लोबल सीनर्जीज रखी गई है, कि अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी, इट इज़ नॉट जस्ट कि जो नेबरिंग कंट्रीज है हमें सिर्फ उन्हीं से रिलेशंस बनाना है, इनफैक्ट जो कंट्रीज नेबरिंग नहीं है हमें उनसे भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की. यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज,
कि जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ है सिर्फ हमें उन्हीं पे फोकस नहीं करना है, हमें सब कॉन्टिनेंट की जो नेबरिंग कंट्रीज हमें उस पे भी फोकस करना है. सो दैट वाज अबाउट कि ग्लोबल सिनर्जी इस्टेब्लिश करनी है टू फाइट वेरियस चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड COVID-19, राइट. देन अनदर इज द इंडो पैसिफिक रीजन. द बिग एग्जाम्पल इज द रिसेंटली क्वाड मीटिंग, कि जो क्वाड मीटिंग हुई वहाँ पे ये बताया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन में मेजर डेवलपमेंट की नीड है, कि एक सीनर्जी इस्टेब्लिश करनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडो पैसिफिक में यूरोप कंट्रीज़ का भी आ जाएगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का क्या स्टांस है. यूरोप में स्पेसिफिकली फ्रांस के साथ इंडिया ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी मेंटेन करी है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उनके साथ क्या रिलेशंस मेंटेन किया है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है उनके साथ क्या मेंटेन किया है. सो जो ऑब्जेक्टिव यही है ऑफ दिस अलायंस की जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके ऑफ वेरियस कमिटमेंट्स विच आर नीड ऑफ द आवर. फॉर एग्जाम्पल पेरिस क्लाइमेट डील, कि वहाँ पर ग्लोबल सिनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है. येस, सो डेट वॉज आवर टुडेज लेक्चर ऑफ योजना मार्च एडिशन मैगजीन. एंड द क्वेश्चन फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज हाउ सिक्स पिलर्स ऑफ यूनियन बजट 2021-2022 विल हेल्प इन अचीविंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत 5 pillars, राइट. सो प्लीज डू गिव योर आंसर्स और प्लीज डू राइट योर प्रैक्टिस और योर answers in or give in the comment section. Yes, so that was our today's lecture. In the next issue of the Yojana we'll be discussing about Northeast. So till then, stay safe and study. Thank you.